और सैयद मतीन की भी भावना इसी रहती है। सभागृह के अंदर हमने देखा है, जब ये बात करते हैं तो सिर्फ विकास की बात करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। सभागृह की नहीं भी है और जो है भी है, पूरा महल्ले वालों के दिलों में और मैं उनके दिलों में और वो मेरे दिलों में है, मुझे ये बात मालूम है वो इंशाल्लाह। और ये काम जो तो इलेक्शन को सामने रखते हुए नहीं किए जा रहे, जो मेरे वादे थे तो उसको कम्प्लीट करने का मेरा ये मकसद है। शहरों में काम G20 के नाम पर बहुत हो रहा है, हो ये रहा है कि सड़कें पहले बन जा रही हैं, बाद में पाइपलाइन की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है महानगर पालिका जिम्मेदार है या फिर नगर सेवक जिम्मेदार है या फिर जनता इसमें जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सैयद मतीन हमेशा विकास के काम करते हैं, सभागृह के अंदर में अपने वार्ड की, शहर की जितनी भी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हमने सभागृह के अंदर देखा है हर बार, बल्कि वार्ड के नहीं शहर के विकास की हम बात करते हैं, और जहां भी विकास की बात आती है, सेना हो या BJP हो, हम पुरजोर मुखालिफत करके हम अपने वार्ड के काम खींच के लाते हैं। अब जैसे आपने देखा कि आज उद्घाटन पानी की पाइपलाइन का, जहाँ के इलेक्शन होके ख़त्म हो गया, अभी 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी सैयद मतीन अपने वार्ड में पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन आज कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, वार्ड वासियों को, सब उनके नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। और रहा सवाल कि आपने स्मार्ट सिटी के बारे में जो क्वेश्चन किया, तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो शहर में काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे कारपोरेशन लेवल पे हो, हमारे कलेक्टर अश्विक कुमार पांडे साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हमारे साहब हो, ऐसे सभी तमाम लोग, शहर के जितने भी पुलिस कमिश्नर साहब हो, और हमारे पास में G20 का पहली बार हिंदुस्तान को ये मौका मिला है, और G20 में जितने काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर में आज तक ऐसे काम नहीं हुए। और रहा छोटे जो अभी जो इसे आप बोले G20 का जिम्मेदार नगर सेवक है या कारपोरेशन है या और कोई है, इसमें ना कारपोरेशन है ना नगर सेवक जिम्मेदार है, नगर सेवक अपने वार्ड में G20 के जितने भी विकास के काम है, जितने बड़े बड़े रोड्स है हमारे, जहाँ हमारे पास में बाहर देश से लोग आ रहे हैं, उनके लिए अनेक VIP रोड्स जो बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे हर बार काम शहर में होते रहना चाहिए। G20 के नाम पे नहीं, स्मार्ट सिटी हमारी होने जा रही है, तो ये हर साल काम ऐसे ही पैमाने पे चलना चाहिए, और शहर वासियों को, हमारे जितने भी शहर में, औरंगाबाद शहर में जितने भी टैक्स पेयर है, पानी पट्टी भरते हैं, अनेक टैक्सेस भरते हैं, तो इनको इस तरह की सुविधा मिलना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है, और सैयद मतीन की भी भावना इसी रहती है। सभागृह के अंदर हमने देखा है, जब ये बात करते हैं तो सिर्फ विकास की बात करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। सभागृह की जब बात आती है, जैसे महानगर पालिका की बॉडी खत्म होकर 3 साल हो गए, अब आने वाले वक्तों में औरंगाबाद में इलेक्शन है, फिर माहौल ऐसा बनता है कि लोगों में, जैसे आपको तो पता है सारी बातें, एक साइड उल्टी हो, आज जो है तो बड़े ये जो काम है 5 गलियों का, तो मैंने पिछले जो इलेक्शन लड़ा था, जो लोगों की मोहब्बतें थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ मेरे वादे थे, 14 महीने नहीं था मैं, आपको मालूम, बेहतर जानते, तो कुछ काम इनकम्प्लीट रह गए थे, तो ये वादों के काम है, मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो ये 5 गलियों का जो पानी की लाइन का है उद्घाटन, तो मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई अफसर खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने उद्घाटन किया, मेरी हिम्मत अफजाई की, और हमेशा वो मेरे बुरे वक्तों में साथ देते रहते हैं, पिछले माजी में भी उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अहले महलियान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मालूम है, मुझे ये बात मालूम है कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं भी है और जो है भी है, पूरा महल्ले वालों के दिलों में और मैं उनके दिलों में और वो मेरे दिलों में है, मुझे ये बात मालूम है वो इंशाल्लाह। और ये काम जो तो इलेक्शन को सामने रखते हुए नहीं किए जा रहे, जो मेरे वादे थे तो उसको कम्प्लीट करने का मेरा ये मकसद है। तो अपने ये आसिफ मस्जिद की गली हो गई, अपने अतीक भाई किराने वाली गली हो गई, रिक्शा की 5 गलियों के पानी की लाइन का आज काम हुआ, और इसके बाद इसके रोड का भी काम है, तो वर्क ऑर्डर हो गए हुए हैं,
तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। और फिर से अफसर खान साहब जो मेरे बड़े भाई हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फारूक भाई सब महल्ले वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आपसे खुसूसी अपील करता हूँ, मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह।